वन पंच मैन चैप्टर 201 में कुछ ऐसा चीज हो चुका है जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। इस चैप्टर ने, एक ही चैप्टर ने जो कि 22 पेजेस का चैप्टर है, इसी चैप्टर ने मतलब वन पंच मैन वर्स को डायरेक्ट गैलेक्सी लेवल से मल्टीवर्स लेवल तक पहुंचा दिया है एक ही चैप्टर ने। तो इस वाले चैप्टर में हमें एम्प्टी वॉयड नाम का एक विलन कैरेक्टर देखने को मिलता है, हाँ गाइस, जो कि ब्लास्ट का दोस्त है, मतलब पास्ट में हुआ करता था। एंड इस बंदे के पास कुछ बहुत ही ज्यादा ब्रोकन एबिलिटीज है। तो जब फ्लैशी फ्लैश और सोनिक इसके ऊपर अटैक करता है, लिटरली ये यूनिवर्स के बाहर चला जाता है, हाँ गाइस। एंड ये बताया जाता है कि लिमिटलेस पैरेलल वर्ल्ड्स या फिर यूनिवर्स कह सकते हो, इसके सामने ओपन हो चुका है विथ ईच पॉसिबिलिटी। एंड ये फोम की तरह बबलिंग कर रहा है। उसके बाद के पेजेस में हमें देखने को मिलता है दिस इज द आउटसाइड ऑफ द कॉजलिटी ऑफ द स्पेस। तो व्हाट इज कॉजलिटी? तो कॉजलिटी मतलब कॉज एंड इफेक्ट, ए के वजह से बी होता है एंड बी हो रहा है क्योंकि ए हो रहा है, समझ रहे हो? मतलब बारिश हो रही है जिस वजह से सड़क गीली हो रही है एंड सड़क गीली होने के कारण बारिश है एंड इसको ही हम कॉजलिटी कहते हैं। और एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम एक बंदे को पंच मारे जिस वजह से उसको पंच लगा, इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट यानी कि कॉजलिटी। बट ये बंदा कॉजलिटी ऑफ द यूनिवर्स के कॉजलिटी के एकदम बाहर रहता है, मतलब ये कॉज एंड इफेक्ट का कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इसको, ये लिटरली जो अटैक करेगा डायरेक्ट आके लगेगा, कॉज एंड इफेक्ट का कोई मामला ही नहीं है, जो कि है एब्सोल्युटली अनअवॉइडेबल। उसके बाद हमें देखने को मिलता है जो डायमेंशन में फ्लैश और सोनिक थे, उस डायमेंशन को यह बंदा लिटरली एक बबल की तरफ होल्ड कर देता है एंड एक स्पेशल जुत्सु करता है जो कि यूनिवर्स के बाहर रह के करता है एंड उसके बाद डायमेंशन स्लैश मारता है। मतलब समझ लो ये बंदा इतना ब्रोकन है कि यह हाइपर स्पेस से लिटरली डायमेंशन स्लैश या फिर उस जैसा कुछ अटैक स्पैम करते रहेगा एंड थर्ड डायमेंशन लोगों को कुछ भनक भी नहीं होगा कि कहां से मार रहा है ये बंदा। उसको यूनिवर्स से बाहर जाना पड़ेगा इससे फाइट करने के लिए। मतलब ये सोच के चलो ब्लास्ट वर्सेस एम्प्टी वॉयड या फिर कह सकते हो साइतामा वर्सेस एम्प्टी वॉयड जो कि नेक्स्ट फाइट होने वाला है, वो फाइट यूनिवर्स के बाहर भी हो सकता है यानी कि मल्टीवर्स में। एंड हाँ, इस वाले फाइट में साइतामा का जो रिवर्सल ऑफ कॉजलिटी पंच है यानी कि जीरो पंच, वो भी कुछ काम नहीं आएगा क्योंकि ये बंदा लिटरली यूनिवर्स के बाहर है। तो साइतामा जब जीरो पंच मारेगा तो वो सब कुछ यूनिवर्स के अंदर ही होगा, तो इसको मारने के लिए साइतामा को यूनिवर्स से भी बाहर आके मल्टीवर्स में आना पड़ेगा। अब बात करते ब्लैक साइतामा, इविल साइतामा या फिर कह सकते हो डार्क साइतामा के ऊपर। तो जब से वन पंच मैन में मल्टीवर्स घुसा है यानी कि इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज घुसा है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है फैंस के दिमाग में, क्या इसका मतलब डार्क साइतामा भी एग्जिस्ट करता है? तो मुझे लगता है नहीं, क्योंकि अगर डार्क साइतामा अभी एग्जिस्ट करता तो लिटरली अभी तक उसने 4-5 यूनिवर्स को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देता मजे में ही। एंड जब साइतामा ने जीरो पंच मारा था गारो को, तब वो साइतामा पुराने वाले साइतामा के साथ मर्ज हो चुका था। मतलब मुराता यह कहना चाहते हैं कि साइतामा का कोई और अलग वेरिएंट नहीं हो सकता, साइतामा वन एंड ओनली एक है एंड जब भी साइतामा टाइम ट्रेवल करेगा वो अपने पुराने साइतामा के साथ मर्ज हो जाएगा। तो यही था आज के वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर तो 2 महीने के बाद आएगा क्योंकि मुराता ब्रेक पे है एंड हाँ, वो ब्रेक डिजर्व करते हैं। तो तब तक के लिए मैं वन पंच मैन के कुछ थ्योरीज लाऊंगा, ठीक है, एंड तब तक के लिए मजे करो सब।